जो प्रॉमिस किया था उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। मेरे साथ मेंबर हैं, टीम मेंबर हमारे बद्रा क्लासेस के, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना आगे कोर्स वो डिजाइन किया है। और कौन कौन से सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी और आपको कैसे इनको फॉलो करना है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे इनसे सुनेंगे। तो पहले चलते हैं अपने वीरेन सर की ओर। वीरेन सर आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगे, देन आपको बताएंगे कौन से सब्जेक्ट ये टीच करेंगे। उनके बाद हम साहिल चराया सर से पूछेंगे कि आपका क्या व्यू है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके, कि किस तरह से स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए वीरेन सर की ओर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि रवि सर ने आपको बताया कि कम्पिटेटिव जो एग्जाम्स रहते हैं, और आपको पता है कि आज यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। सो नॉर्मली तो ये प्लेटफॉर्म पे हम बहुत पहले से हैं, परंतु आज हमने एक जनरल डिस्कस किया, मैं और मेरे जो साथी हैं साहिल चराया जी, कि किस तरीके से बच्चों को लीड करना है या स्टूडेंट्स को लीड करना है। तो वो लीड करते वक्त अपने को जो मेन बात आई वो ये आई कि कम्पिटेटिव एग्जाम कौन कौन से रहते हैं जिनको लेके अपने लीड कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में जो पिक्चर आई वो ये पिक्चर आई कि अपने अगर देखें तो आज की डेट में एसएससी, और अगर आज देखें तो रेलवे का एग्जाम चल रहा है आपका, या अगर अपने देखें तो बैंक का एग्जाम चल रहा है। ये वो एग्जाम्स हैं जिनके अंदर आज अपने देखेंगे ना तो अपने पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। किस तरीके से लीड करना है, हम अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको लाइव सेशन के रूप में आपको अवेलेबल करवाएंगे। आपको लाइव बने रहना है हमारे साथ और उसको उसी तरीके से ही आपको कवरअप करते रहना है। और सबसे पहले मैं जो अपने बारे में बताऊं तो आज लगभग 11 से 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास, और काफी लंबे टाइम से बद्रा क्लासेस जो राइस नगर आप राजस्थान में एक एरिया है जहां पे हमारे संस्थान को हम रन कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया एसएससी टॉपर कैंडिडेट हमारे संस्थान का वो 172 मार्क्स के साथ रहा प्री के अंदर, और 459 मार्क्स इसने स्टूडेंट्स मेन में गैदर किए। क्या क्या थिंग्स आई उनके रास्ते में, चैलेंजेस आए, उनको कैसे आपके साथ ओवरकम करना है, क्योंकि हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आज जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनमें वन ऑफ द चैलेंज की पढ़ा कहां से जाए। और एक बात और कि आज कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, एक टाइम था जब हमारा टाइम था उस समय जो ये फॉर्म भरे जाते थे 3 से 4 या 5 लाख के फॉर्म भरे जाते थे, और आज अगर अपने देखें तो ये फॉर्म जो है वो नियर अबाउट अगर आप देखोगे तो ये वाले फॉर्म में 70 से 80 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 70 लाख से 80 लाख फॉर्म भरे है ना, और एक आप अंदाजा लगाइए केवल 4 या 5 लाख फॉर्म भरे है ना, तो डिफरेंस तो आ गई इसके अंदर। और उस डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए जरूरी क्या है, आज एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस किस सब्जेक्ट को कैसे कैसे टारगेट करना है, उसको किस तरीके से अपने मॉड्यूल में लेके आना है, उसके ऊपर डिस्कस करना। हालांकि मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बता देता हूं, मैं जो सब्जेक्ट आपको टीच करने वाला हूं उनमें 2 सब्जेक्ट जो मेनली अपने डिस्कस करेंगे वो मैं आपको कवर करने वाला हूं, इंग्लिश, और उसके अलावा मैं कवर करने वाला हूं आपको जीके। इंग्लिश और जीके किसी भी लेवल का वो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मेरा टारगेट रहेगा मैं उस एग्जाम के लेवल पे आपको जाके उसके रिगार्डिंग आपको टीच करूं। तो क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में आपको वन बाय वन बताने वाला हूं, देखिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हमने बात करके चले, अपने लेके चलते मान लीजिए इंग्लिश की। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ना जो नॉर्मली हमें चैलेंज महसूस होता है वो ये महसूस होता है कि इंग्लिश के अंदर अपने को एग्जाम में किस किस चीज को फेस करना होता है। पहली बात तो ये रहती है कि प्री प्लस मेन, अगर अपने एसएससी को देखें तो प्री में भी इंग्लिश अपने को 50 मार्क्स लेके जाएगी, 50 मार्क्स लेके जाएगी, और मेन में आपको पता है 200 मार्क्स। ऐसा ही स्टूडेंट सेम आपका मैथ्स के साथ रहने वाला है, और इन दोनों सब्जेक्ट से आपको स्कोर जनरेट करना है ना, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इस सेगमेंट के ऊपर यानी कि इंग्लिश के ऊपर आपको स्ट्रॉन्गली वर्कआउट करना होगा। और इस सेगमेंट के ऊपर वर्कआउट करते वक्त अपने को किन किन पॉइंट को ध्यान रखना होता है, देखो सिलेबस कैरिकुलम की बात करें तो इसका सिलेबस कैरिकुलम क्या है, इंग्लिश के अंदर अपने को क्या देखने को होता है, पैसेज, यानी कि रीडिंग के अंदर अगर अपने देखे पैसेज आएगा, स्पेल अगर अपना अच्छा है तो क्लोज टेस्ट, यानी वोकैब अगर अपनी अच्छी है तो क्लोज टेस्ट, उसके बाद अपने को जंबल या पैरा जंबलिंग अपने को मिलता है, ये 3। और इसके बाद चौथा जो सेगमेंट रहता है एरर, यानी कि ग्रामर सेगमेंट जो रहता है। अब इन चारों सेगमेंट को कवर करना है अपने को, प्लस अपने को कवर क्या करना है, ग्रामर। अब देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बात बताऊं, इन चारों को कवर करने के लिए अपने को ग्रामर प्लस स्टूडेंट डेली रूटीन के अंदर वर्क है, यानी कि इन दोनों सेगमेंट्स के ऊपर अपने को वर्कआउट करना होगा। अगर अगर अपने स्ट्रॉन्गली इसके साथ वर्कआउट करके, यानी कि जो मेरा डेली रूटीन में आपको 45 मिनट का आपको जो सेशन मिलने वाला है जिसमें
मेरा टारगेट जो है वो ये है कि आपको जो मैं पढ़ाऊं उसके रिगार्डिंग मैं आपको उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कौन से आते हैं और कौन से प्रीवियसली क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में मैं आपको गाइड करता जाऊं, ताकि आपका जो उसके प्रति जो अप्रोच है उस सब्जेक्ट के प्रति वो पॉजिटिव होता चला जाए। क्योंकि ये सीरीज को शुरू करने से पहले हमने बहुत सी चीजों को प्लान किया है कि क्या क्या चैलेंजेस हमें आ सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस स्टूडेंट को आते हैं जब वो ऑनलाइन स्टडी करता है। तो उन चैलेंजेस को ओवर करने के लिए लाइक हम जैसे जैसे भी कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि जो प्रैक्टिस वर्कआउट्स है या प्रैक्टिस शीट्स है या वर्कशीट्स हैं वो हम आपको कहां पे अवेलेबल करवाने वाले हैं। चलिए अब मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको गाइडेंस देने वाला हूं, उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपकी क्या अप्रोच रहती है थोड़ा सा उसको भी वॉचआउट कीजिएगा मेरे साथ। देखिए मैंने अभी बताया कि मैं आपको इंग्लिश के ऊपर काफी ज्यादा फोकस लेके चलूंगा। सेकेंड सब्जेक्ट जो रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा आपका जीके, जिसको आप जनरल नॉलेज लेके चलते हो। देखिए अगर आप एसएससी एग्जाम सोच रहे हैं ना, तो इस जीके से पहले मैं आपको एक जनरल इवेल्युएशन दे रहा हूं, उसको थोड़ा सा वॉचआउट कीजिएगा। वो वॉचआउट क्या है स्टूडेंट की अगर अपने लेके चले तो आपको पता है कि चार सब्जेक्ट रहते हैं मैथ्स, देन दूसरे पे अपने इंग्लिश, तीसरे पे अपने ले लेते हैं रीजनिंग और चौथे पे स्टूडेंट अपने क्या ले सकते हैं जीके। मैं प्री को अगर एनालाइज करके चलूं आपको पता है 25 क्वेश्चन यहां, 25 क्वेश्चन यहां, 25 क्वेश्चन यहां और 25 क्वेश्चन आपके क्या होंगे यहां होंगे। सो मार्कर एक और कैरी कर दीजिएगा, 25 क्वेश्चन होते। देखो मैथमेटिक्स मैं आपको बता देता हूं, जो एक कैंडिडेट अगर पिछले 3 या 4 या 5 महीने से स्टडी कर रहा है नो डाउट उसका मैथमेटिक्स के प्रति जो प्रोस्पेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा, वो यहां से 22 से 23 मार्क्स को कैरी कर सकता है। 22 से 23 क्वेश्चन स्टूडेंट वो यहां से कवर करेगा। आपको पता है क्वेश्चन यहां पे 2 नंबर का कैरी होने वाला है। देन इंग्लिश की बात करके चलें सेम ऐसा रहता है, 20 से 22 क्वेश्चन यहां से कैरी करता है स्टूडेंट। रीजनिंग 23 से 24, इवन कई कैंडिडेट आप में से ऐसे भी होंगे जब आप रेगुलर हमारे साथ रहेंगे या जो पहले से स्टडी कर रहे हैं तो उनका यहां से ये प्रोस्पेक्टिव भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इन तीनों प्रोस्पेक्टिव से अगर अपने देखें तो टोटल क्वेश्चन अटेंशन कितना जा रहे हैं, 22, 20 अपने लोअर लेके चले, 42 और 23 क्या हो जाएगा आपका 65 मल्टीप्लाई बाय 2 130, यानी कि 130 मार्क्स आप यहां से ले रहे हो। अब बात आती है पेपर पास करने के लिए स्कोर है ना सर आपके लिए, बट जो ये वाले 25 क्वेश्चन है इन 25 क्वेश्चन में आप अगर 15 से 20 क्वेश्चन भी कर जाते हो और वो आपके प्रॉपर वे के अंदर कवर अप हो जाते हैं तो आप यहां से स्टूडेंट्स क्या करोगे स्कोर जनरेट करो। और मेरा जो टारगेट है वो यही है कि आप यहां से स्कोर जनरेट करो, क्योंकि यहां से अगर आप 20 क्वेश्चन करते हो मींस आपके पास कितना स्कोर हो जाएगा स्टूडेंट 170। जो मैंने अभी बताया हमारा जो टॉपर कैंडिडेट है 172 मार्क्स, तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का वर्कआउट आपके ऊपर किया गया होगा। तो जीके में सेगमेंट रहते हैं और वो सेगमेंट के लिए मैंने स्पेशल जीके का एक इंट्रो देना है, बट उससे पहले मैं इनवाइट करूंगा साहिल जी को कि वो आपको मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताएं कि किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं और आपको उनको किस तरीके से आपको ओवरकम करना है, कवर अप करना है। सो सर प्लीज आइए और देन उसके बाद हम एक कॉमन गॉसिप के थ्रू आपको बताएंगे कि हाँ आपको इसको किस तरीके से बीट करना है, आपको उसको किस तरीके से कवर अप करना है ताकि आपके लिए आसान हो जाए इस चीज को कवर करने के लिए। तो साहिल जी प्लीज आइएगा और थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि किस तरीके के चैलेंजेस ओवरकम करने हैं स्टूडेंट्स को। हेलो एवरीवन, सो आज जो हम मुहिम शुरू कर रहे हैं उसके अंदर आप सभी को पता होगा, सबको बता दिया गया होगा कि अब से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं जिसके अंदर हम एसएससी को मेन अभी टारगेट कर रहे हैं, जिसमें आपको रेगुलर पूरी क्लासेस मिलेंगी। वीरेंद्र सर ने आपको बताया होगा कि वो आपको इंग्लिश और सेकेंड सब्जेक्ट जीके कवर करेंगे, मैं आपको यहाँ पर मैथ्स को कवर करने वाला हूँ। मैथ्स में आपको क्या क्या कवरअप करना है, किस तरह से कवरअप करना है, कहां कहां से पोर्शन आपका आता है एसएससी के एग्जामिनेशन में, कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपका जो हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले हैं उसका क्या मॉड्यूल रहेगा, किस तरह से लेकर चलने वाले हैं, हर एक चीज हम आपको कवरअप करवाएंगे। देखिए स्टूडेंट जब आप मैथ को कवरअप करते हो ना तो मेन चीज सबसे पहले होती है कि आपका जो पसंदीदा स्टूडेंट का सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स होता है और मैथ्स के अंदर काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आती है। तो अपने को यहां पर जो मैथ्स कवरअप करना है उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो आपकी जो समझ होनी चाहिए उस क्वेश्चन को करने की, आपका जो टारगेट होना चाहिए उस क्वेश्चन को करने का वो जड़ से क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बेस से वो चीज आपकी पकड़ में आनी चाहिए। अगर आप उस बेस को समझ लेते हो आप उस क्वेश्चन को देन ट्रिकी वे से किसी और कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से कवरअप कर सकते हो। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप सिर्फ जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट करते हो टारगेट करते हो उसमें क्या होगा आप सिर्फ रट्टाफिकेशन लगाओगे
और मेरा यहां फोकस क्या होगा कि आपको जो भी क्वेश्चन यहां पर मैं कवरअप करवाऊंगा मैं बिल्कुल जड़ से कवरअप करते हुए उसके बाद उसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट करवाऊंगा ताकि आप एसएससी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपका टारगेट हो रहा है उसे अच्छे से समझ सके, देन आप उसको ट्रिकी वे से जल्दी कर सके। अपने यहां पर स्पीडी सेशन को भी कवरअप करेंगे, साइड बाय साइड हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस भी देंगे, साइड बाय साइड आपका मैथ्स के अंदर अगर अपने बात करें एसएससी में चार अलग अलग आपके पोर्शन से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूं सारे पोर्शन। आप अगर मैथ्स की बात करते हो तो मैथ्स में आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में चार पार्ट आते हैं, फर्स्ट वन अगर अपने बात करें अर्थमेटिक, देन सेकेंड वन अगर अपने बात करें अपने पास आता है एलजेब्रा, थर्ड वन हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री एंड सेकेंड वन लास्ट वन हमारे पास जियोमेट्री। अपना अगर एसएससी का टारगेट रहेगा तो अपने को ये कंप्लीट मैथ्स कवरअप करनी पड़ेगा। हम यहां पर कंप्लीट मैथ को फोकस करते हुए सबसे पहले जो आपको क्लास प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को अपने सबसे पहले समझेंगे क्योंकि एक स्टूडेंट को जब अर्थमेटिक कवर करनी होती है जो भी एग्जाम आप टारगेट करोगे यहां से मैथ्स पोर्शन आपका कवरअप होता है। अगर आप एसएससी की बात करें तो प्री के अंदर आपके पास 25 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 15 प्लस क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक से होंगे। देन अगर अपने मेन की बात करें तो मेंस में हमारे पास 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 में से अगर बात करें तो 40 प्लस क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन से होंगे। कुछ दिनों के बाद जैसे ही रेगुलर पूरा कारवा बन जाएगा आपके जो कमेंट्स आएंगे आपके जो रिव्यूज होंगे बहुत जल्द हम इसके ऊपर शुरू कर देंगे अपनी क्लासेस। आपको डेली रूटीन के अंदर अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ्स इनकी क्लासेस मिलेंगी जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो मेन चीज यही होती है कि आप जब भी मैथ्स को कवरअप करो तो आपका हर एक पोर्शन क्लियर होना चाहिए। आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो टारगेट है, मेरा जो टारगेट है, आपका जो टारगेट है वो मेन क्या होना चाहिए, 25 क्वेश्चंस में से आपको 22 प्लस क्वेश्चंस करने हैं। जब आप 100 क्वेश्चन टारगेट करोगे तो आपके 90 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे कवरअप होने चाहिए हमारी क्लासेस। हमारी क्लासेस में जो स्टूडेंट यहाँ पर अब 172 मार्क्स जनरेट किया है उसके जब प्री की बात की गई थी उसके 25 में से 24 क्वेश्चन सही थे, एंड मेन की बात करें 100 में से उस पेपर में 90 प्लस उस बच्चे ने कवरअप किए थे तभी इतना स्कोर उसने जनरेट किया था। तो मैं आपको यही कर टारगेट करूंगा कि आपको इन क्लासेस के साथ रेगुलर रहना है। आपको भी कुछ ही देर में टाइमिंग अवेल कर दी जाएंगी, आपको बता दी जाएंगी क्या टाइमिंग्स होने वाली है। तो अब मैं इन्वाइट करूंगा हमारे पूरे स्टाफ को जिसके जो आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे आगे कैसे अब क्लासेस चलने वाली है, आपको कहां पर ये क्लासेस मिलेंगी, किस टाइम में मिलेंगी। हाँ जी, तो बताएंगे आपको रवि सर। सर एक दो क्वेरीज हैं स्टूडेंट की मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। एक तो आप इनको टाइमिंग कंफर्म करवा दीजिए कि क्या टाइमिंग रहने वाली है। ओके, सो टाइमिंग की अगर अपने बात करें तो आपका मंडे से आपको दोपहर दो बजे आपको क्लास मिलेगी। मुझे रख कर निकल दीजिए, प्रॉपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जो हम इस ऑनलाइन सीरीज शुरू करने वाले हैं मंडे से, ऑन मंडे दोपहर 2 बजे आपको मैथ की क्लास मिलेगी, 3 बजे दोपहर आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी एंड 4 बजे आपको दोपहर जीके की क्लास। शाम इसे आप शाम भी टारगेट कर सकते हो। तो ये आपका पूरा मॉड्यूल रहेगा मंडे से, डेली रूटीन के अंदर आपको क्लासेस मिलेंगी। और मैं आपको यही टारगेट करना चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये सबको शेयर करें, ये क्लासेस ऑनलाइन होने वाली हैं, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज से। जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं इसको आपको शेयर करना है ताकि आप लोगों को हम एक मोटिवेशन के साथ पढ़ा सके। अगर हम अपना पूरा एफर्ट देते हैं तो हम भी आपकी तरफ से ये सपोर्ट जरूर चाहेंगे कि आप इस वीडियोस को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें जरूर बताएं कि ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। और आपको मैं गारंटी देता हूं कि इस क्लासेस से जो आपको सीखने को मिलेगा आपने वैसी क्लासेस डेफिनेटली कभी नहीं देखी होंगी। तो अभी आपको कुछ रवि सर टारगेट करेंगे।
सर एक और क्वेरीज आ रही है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट मैंने भी ज्यादातर चैनल देखे हैं जिसमें पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन क्या आप लोग अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं या किसी भी तरह के अगर नोट्स प्रोवाइड करवा पाए तो उन स्टूडेंट के लिए बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस में वो नोट्स नहीं बना पाते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए यही होता है कि उनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, कहाँ से क्या पढ़ना। अगर मैं आज खुद भी तैयारी की बात करूँ तो मुझे 5-6 बुक्स लेनी पड़ेगी तब जाकर मैं देखूंगा कि मेरी मैथ कवर है। क्या आप अपनी साइड से ऐसा कोई एफर्ट्स लगा के नोट्स प्रोवाइड करवा पाएंगे? डेफिनेटली सर, जैसे कि अपने मंडे से सेशन की शुरुआत करने वाले हैं तो मेरा टारगेट ये होगा कि मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं या तो वो, या मैं आपको मंडे को कुछ बुक्स रिकमेंड कर दूंगा स्टूडेंट्स को, ताकि जो मैं करवा रहा हूं वहां से वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, या फिर मैं अपनी जो हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर आपको खुद नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप डेली रूटीन के अंदर वहां से जो शीट्स हैं हमारी प्रैक्टिस शीट की शीट वो आप डेली रूटीन के अंदर वहां से पढ़ सकते हैं, वहां से उसे डाउनलोड करेंगे, जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वो प्रैक्टिस आप वहां से कवर अप करेंगे, जो भी आपके डाउट हैं वो डाउट सेशन अपने कवर अप करेंगे। मेनली कॉन्सेप्ट क्या रहेगा पढ़ाने का मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। जैसे अपने मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर अपने जैसे अर्थमेटिक की शुरुआत करने वाले हैं तो जैसे अपने पहले टॉपिक उठाते हैं कोई भी अपनी तरफ से, लाइक मैं आपको एवरेज कवर करवाता हूं, ठीक है। तो एवरेज की सबसे पहले मैं आपको बेसिक सारी क्लासेस दूंगा, सारी बेसिक क्लासेस देने के बाद आपकी डाउट सेशन, आप इसे डाउट सेशन भी बोल सकते हैं या इसे आप प्रैक्टिस सेशन भी बोल सकते हैं, आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे कंप्लीट। हर एक टॉपिक अपने बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चंस अपने टारगेट करेंगे, देन उसके बाद हम 2 से 3 प्रैक्टिस सेशन इस कवर अप करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको जल्दी कैसे पिक करना है, आप उसमें प्रोफिशिएंसी कैसे लेकर आ सकते हो, साइड बाय साइड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपने आपके साथ डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, और ये सारे जो डाउट सेशन या टॉपिक वाइज आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये आपको थ्रू शीट या हैंड रिटन आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, ताकि आप इनसे अपने आप को बहुत अच्छे से मैथ्स को कवर अप कर सके। सर एक रीजनिंग के बारे में बता दीजिए, काफी सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही है कि रीजनिंग की क्लासेस कब से हैं, तो उसके ऊपर आपका कब फोकस रहेगा? ओके, देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारा 15 डेज का टारगेट है, 15 डेज हम आपको यही मॉड्यूल कवर अप करेंगे जैसे मैंने आपको कवर अप कराया। आफ्टर 15 डेज आप स्टूडेंट के ऊपर है कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को किस तरह से लाइक करते हैं, आप कितना मोटिवेशन हमें देते हैं अपनी तरफ से, देन उसके बाद आफ्टर 15 डेज हम अपनी तरफ से कुछ सेशंस एड अप करेंगे, जैसे कि आफ्टर 50 डेज आपको एडवांस मैथ्स मिल जाएगा हमारी तरफ से, डेली रूटीन के अंदर मैथ्स की डबल क्लासेस होंगी आप, आपको कोर्स का रही है कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जुड़ें और हमारी जो नॉलेज है हम उसके दूसरों के साथ शेयर करें और स्टूडेंट को वहां से ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दिलवाएं, मेन फोकस यही रहेगा। सर एक चीज और, बाकी सारे काफी चैनल में मैंने देखा है कि बहुत से इजी इजी क्वेश्चन तो करवा दिए जाते हैं लेकिन वो एग्जाम में नहीं आते। एग्जाम में जैसे क्या है कि बच्चों को एक मीटिंग को ये दिखा दी कि ऐसे ऐसे बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बड़े टफ आते हैं, तो क्या आप वो टफ क्वेश्चन को भी कवर करवाएंगे यहाँ से? बिल्कुल रवि जी बिल्कुल। देखिए जब कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो मेरा जो मेन मानना है वो ये है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू करते हो तो उसकी शुरुआत हमेशा बेसिक से होनी चाहिए। देन जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मैं कोई भी टॉपिक करवाने के बाद आपको मिलेगा, हर एक टॉपिक के बाद हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हुए क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट हम करवा रहे हैं तो इसका मतलब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस होगा। दूसरी बात, मेन चीज ये होती है कि जब आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हो तो आज का बैंकिंग का मॉड्यूल या आज का जो SSC का मॉड्यूल है उसमें एक टाइम लिमिट आ चुकी है कि आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मेन फोकस क्या होता है उन क्वेश्चंस को करने का।
आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। कहने का मतलब आपके पास अगर 10 क्वेश्चन है, आपकी पहली ट्राई ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आप विद इन सम सेकंड, कुछ सेकंड्स में कवर अप कर सकते हो, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड मैक्सिमम आना है ताकि उस क्वेश्चन को आप विद इन 30 सेकंड कंप्लीट कर सके। अगर वो क्वेश्चन वहां से नहीं होने वाला है तो हम आपको वहां पर ये बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन को छोड़ना है और कब करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देना, पहले राउंड के अंदर उसे नहीं करना। कोई भी एग्जाम स्ट्रेटेजी जब बनाई जाती है उससे पहले आपको उसे प्रॉपरली सोचना होता है कि हाँ मैं एग्जाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन को कवर अप करूंगा। और पूरी हमारी जो टीम है वो आपसे डिस्कस करेगी ये चीज हर एक सब्जेक्ट को लेकर, और अब आपको वीरेंद्र सर गाइड करेंगे कि उनकी क्लासेस के अंदर वो किस तरह से पढ़ाएंगे और पढ़ाने का उनका मोटिव क्या होगा, किस लेवल तक के क्वेश्चंस आपके वो कवर करेंगे। हाँ जी वीरेंद्र सर। सो थैंक यू सैल जी। स्टूडेंट्स काफी कुछ हमने आपके साथ इस सेंट्रल राउंड के अंदर डिस्कस किया एंड आई होप आप हमारे ऑब्जेक्ट को समझ चुके होंगे कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट हम आपके साथ लेके चल रहे हैं। मेन ऑब्जेक्ट यही है कि हमें सक्सेस हासिल करनी है। मेन ऑब्जेक्ट यही है कि आप कैंडिडेट जिस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आपसे जुड़ रहे हैं हम उस ऑब्जेक्ट को पूरा करें। मेन ऑब्जेक्ट यही है कि स्टूडेंट्स क्या आपको वो सब कुछ मिल रहा है हमारे चैनल से, क्या हम वो सब कुछ दे सकते हैं जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट है। हमने काफी लंबे टाइम के बाद, यानी कि हालांकि हम यूट्यूब से काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, बट वो लंबी रिसर्च के बाद हमने ये प्लेटफॉर्म को स्टूडेंट सेटअप किया कि नहीं कुछ इस तरीके का दिया जा सकता है। बट जरूरत क्या है यहाँ पे कि एक रेगुलरिटी की, हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। आपकी तरफ से रेगुलरिटी मीन्स कि आपको जब ये अलर्ट आ जाए कि हाँ अब लाइव सेशन शुरू होने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट विद कॉपी एंड पेन। आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए ताकि अगर मैथ्स का क्वेश्चन आंसर जैसे आपसे डिस्कस करें तो आप उसके लिए वर्कआउट करने के अंदर पहले तैयार हैं, ताकि जीके के लिए अगर मैं कोई टॉपिक शुरू करूं तो आपके माइंड में पिक्चर सेट हो जाए। जीके अगर आपने मेरे कभी वीडियो यूट्यूब पे जनरली वॉच किए हैं या अगर आप मेरे को वॉच करोगे तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है किसी सब्जेक्ट के बीच में तो भी मैं आपके अंदर उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जनरेट कर दूंगा। एज लाइक इंग्लिश के अंदर एक वास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को इंग्लिश का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मैंने इंग्लिश को बोला है, तो जब बोला हुआ है तो मेरे को पढ़ाने के अंदर उसके प्रति बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और जो आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। सो इनके लिए जरूरी वही बात आती है कि आप अपने ग्रुप के अंदर, देखो नॉर्मली जब हम पढ़ा करते थे हमारे टाइम के अंदर हालांकि इतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं थे, बट हमने ऐसे ग्रुप देखे हैं जो यूट्यूब पे उनको पता नहीं हाँ जी अब लाइव आने वाले हैं, तो वो 4 या 5 या 7 स्टूडेंट का ग्रुप बैठकर स्टडी करता है, एक ऐसा एनवायरमेंट जनरेट करता है जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। जब तक ये वाली बात हम अपने अंदर नहीं लेके आएंगे ना कि रिजल्ट हमने लेना है, तब तक स्टूडेंट ये कंपटीशन टफ ही माने जाएंगे। मेरिट पहले के टाइम और आज के टाइम में दिन रात का फर्क आ गया। हमने जब एग्जाम क्रैक किया था तब 200 में से 70 या 75 की मेरिट जाती थी, और आज अगर आप मेरिट की बात करके चलो तो ये डबल हो चुकी है, 140 तक जा रही है मेरिट। इट मींस कहीं ना कहीं एग्जाम का लेवल नहीं बढ़ा, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ चुका है। ये अच्छी बात भी है और ये चैलेंज भी है हमारे लिए। तो आप लोगों को अगर इससे ओवरकम होना है तो मैं ये कहूंगा कि स्टूडेंट आपको हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ना होगा। स्टूडेंट जो हमने इनिशिएट किया है, इस सीरीज को शुरू किया है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको भी स्टूडेंट हमें सपोर्ट करना है, यानी जितने भी फ्रेंड सर्किल में आप कह सकते हो कि हाँ जी इस तरीके का लाइव सेशन जो 2 बजे शुरू होगा, ये हमारा पहला सीरीज है 2 बजे जो शुरू होगा, और इसके बाद स्टूडेंट हमने सीरीज पे सीरीज आपको देनी है। जैसे जैसे आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा और आपको ये वाली जो सीरीज है हमारी जितनी बड़ी टीम, क्योंकि एक्चुअली अभी हम लीड करें हम जो 2 से 3 जो लीडर है वो, बट आने वाले दिनों में हम और ज्यादा इसको स्टूडेंट्स इनिशिएट करने वाले हैं और आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज ऑलरेडी हमने काफी कुछ आपके साथ शेयर अप कर दिया, अब जो हम आएंगे तो उसके बाद डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन सा टीचर आपको, यानी कि जब सब्जेक्ट लेके आएंगे तब पढ़ाएंगे। अभी मैं लास्ट में कहूंगा रवि जी से कि वो आए और आपको कुछ बेसिक बताएं, और देन उसके बाद स्टूडेंट बी रेडी फॉर दैट कि अपने को स्टडी को कवर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो लास्ट में स्टूडेंट एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने देनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये जो लाइव सेशन है स्टूडेंट, हमारा ऑफिशियल जो चैनल है वो बद्रा क्लासेस राइस नगर है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, बद्रा क्लासेस राइस नगर का। वैसे अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो भी मिल जाएगा। तो बद्रा क्लासेस राइस नगर आपने उसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं जितने भी वो उसी पे ही अपलोड होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग भी उसी पे ही होगी। तो ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप रेगुलर वे में जुड़ना चाहते हैं तो थोड़े टाइम में आपको की ओर मूव करना होगा। और दूसरी चीज ये कि आपको जितने भी नोट्स हैं वो हमारा टेलीग्राम का चैनल आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, उस टेलीग्राम के चैनल पे मिलेंगे, साथ ही साथ उसको वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया जाएगा, जो भी अभी साइंस सर ने या विलियन सर ने हैंड रिटन नोट्स की बात कही।
क्लियर, तो आपको वो मिलेंगे, बट उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी साइट से यहाँ से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं ऑलरेडी, उसके अलावा आपका साइड बाय साइड अगर हम बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कितने दिन वीक में बात करें कि कितने दिन, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इनकी यही है कि ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी 5 days तो इनका क्लासेस का शेड्यूल रहेगा, ठीक है, और 2 days ही आपको प्रैक्टिस करवाएंगे उन 5 दिनों में जो आपने पढ़ा वो, ताकि आप लोगों के लिए बड़ा इजी रहे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ को सोल्व नहीं कर सकते, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये बार बार मैं आपको बोलता हूं, और ये चैनल या मैं बात करूं कि ये क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए मैंने इन लोगों से कॉन्टेक्ट करा कि आप सपोर्ट करें, तो इन्होंने बहुत ही इजीली इस चीज को अप्रूवल दी कि हाँ हम पढ़ाएंगे, और आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का SSC सीजर टॉपर भी इन्हीं क्लासेस से निकला है, तो अगर आप रेगुलर वे में इनको फॉलो करते हैं तो ये मान के चलो कि आप लोगों को सक्सेस श्योर मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड चीज, बहुतों के कमेंट ये आ रहे हैं कि सर रेलवे ऐसा ही बता दीजिए, रेलवे ग्रुप डी, देखो जो मैथ है और साइंस GK वगैरह की बात करें या इंग्लिश, ये सबकी कॉमन होती है स्टूडेंट, इसमें ये नहीं होता कि ये रेलवे में आएगा ये उसमें नहीं आएगा, और बाकी रही बात तो हम एक्स्ट्रा टाइम देकर आपका अलग कोर्स वो भी कवर करवा देंगे, बट आप लोगों को जो करना है वो यही है, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले इतने बजे क्लास है, वैसे इनका शेड्यूल है दोपहर 2 से लेकर 5 बजे तक का, तो वो 2 से 5 तो अपने पेट अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ ही जाना है कि अब हमने पढ़ना है, और ये जो है आप मान के चलो 2.5 महीने का इनका जो सेशन है, इसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे आप लाइक करके शेयर का बटन जरूर दबा दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जहां पे भी आप इसको शेयर करना चाहें, तो आप लोगों को इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।